फ्लॉप रही है एक्ट्रेस, अब बिजनेसमैन से शादी कर संभाल रही करोड़ों की कंपनी। बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो शुरुआती हिट फिल्में देने के बाद भी इंडस्ट्री में ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाए। इन्हीं में से एक नाम है ट्यूलिप जोशी का। 11 सितंबर 1979 को मुंबई की एक गुजराती फैमिली में, पिता गुजराती और माँ अर्मेनियन, जन्मी ट्यूलिप ने 2002 में यश चोपड़ा की फिल्म मेरे यार की शादी है से डेब्यू किया था। उनकी यह फिल्म हिट रही, लेकिन इसके बाद उनकी कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। कैप्टन विनोद नायर से हुआ प्यार और कर ली शादी। फिल्मों में काम करने के दौरान ही ट्यूलिप को कैप्टन विनोद नायर से प्यार हो गया। विनोद ने पॉपुलर नॉवेल प्राइड ऑफ फ्लोरेंस लिखा है। दोनों करीब 4 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे। हालांकि कहा जाता है कि बाद में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इनकी शादी के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। करोड़ों की कंपनी की डायरेक्टर हैं ट्यूलिप। विनोद नायर 1989 से 1995 के बीच इंडियन आर्मी में रहे। वो पंजाब रेजिमेंट की 19वीं बटालियन में थे। इसके बाद वो आर्मी छोड़कर वापस मुंबई आ गए। सितंबर 2007 में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के में शुरू की। मीडिया सर्कल में उन्हें कैप्टन विनोद नायर के नाम से ही जाना जाता है। ट्यूलिप जोशी फिलहाल विनोद नायर के साथ ही इस कंपनी की डायरेक्टर भी हैं। ट्यूलिप को ऐसे मिली थी पहली फिल्म। ट्यूलिप ने जम नाबाई नर्सी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद विवेक कॉलेज से मेजरिंग फूड साइंस एंड केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने 2000 में पेमिना मिस इंडिया में भाग लिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ट्यूलिप की एक फ्रेंड की शादी में आदित्य चोपड़ा ने उन्हें देखा और फिल्म का ऑफर दिया। फिर वे ऑडिशन के लिए गई और फिल्म मेरे यार की शादी है में उन्हें काम करने का मौका मिल गया। मातृभूमि के यादगार रोल के बावजूद नहीं चला करियर। ट्यूलिप ने 2003 में फिल्म मातृभूमि में काम किया। कन्या भ्रूण हत्या पर बेस्ड इस फिल्म में उन्होंने कल्कि का दमदार रोल प्ले किया। फिल्म में कल्कि 5 भाइयों से एक साथ शादी करती है। उसे हफ्ते की हर रात अलग अलग भाइयों के साथ बितानी पड़ती है। हालांकि बावजूद इसके फिल्म को कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने दिल मांगे मोर 2004 और शून्य 2006 जैसी फिल्में की, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। बॉलीवुड में नहीं चली तो किया साउथ का रुख। ट्यूलिप को जब बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने साउथ की फिल्मों का रुख कर लिया। उन्होंने 2007 में मलयालम फिल्म मिशन 90 डेज में काम किया। इसके बाद तेलुगु फिल्म कोचेम को थागा और कन्नड़ फिल्म सुपर में काम किया। आखिरी बार इस फिल्म में दिखी थी ट्यूलिप। हिंदी फिल्मों की बात करें तो ट्यूलिप आखिरी बार 2014 में आई फिल्म जय हो में दिखी थी। हालांकि फिल्म में उनका कैमियो रोल था, जिसकी वजह से उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। वैसे ट्यूलिप 2014-15 में टीवी शो एलायंस में पायलट के रोल में भी दिख चुकी हैं। इन प्रमुख फिल्मों में काम कर चुकी ट्यूलिप। ट्यूलिप ने करियर में करीब 20 फिल्मों में काम किया। इनमें मेरे यार की शादी है के अलावा विलेन, मातृभूमि, दिल मांगे मोर, मिशन 90 डेज, धोखा, कभी कहीं, सुपरस्टार, डैडी कूल, रनवे प्रमुख हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्म जग जियो, दे मेले यारा और दिलदारा में भी काम किया है।